नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रही हैं बोल्डस्काई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन अपनी फिटनेस के लिए खासा पहचानी जाती हैं। सुष्मिता बेहद खूबसूरत हैं और आज भी वो बेहद फिट नजर आती हैं और टाइम टू टाइम अपनी फिटनेस वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं, साथ ही अपनी बेटियों के साथ मस्ती करती नजर आती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सुष्मिता सेन से जुड़ी एक बेहद ही मजेदार खबर, और ये खबर है कि लगता है कि सुष्मिता सेन भी रिलेशनशिप में आ चुकी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन आजकल अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं। कुछ दिनों से ऐसी चर्चा चल रही है कि वो खुद से उम्र में काफी छोटे मॉडल रोमन शॉल को डेट कर रही हैं। कई बार इन दोनों को इवेंट में साथ स्पॉट किया जाता है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि अगले साल तक शायद ये कपल शादी के बंधन में भी बंध जाए। इस मामले पर सुष्मिता ने अपनी सफाई दी है। सुष्मिता ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो जिम्नास्टिक रोप पर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा है, जब पूरी दुनिया अंदाजा लगा रही हो मैं ट्रेनिंग करती हूँ, कमिटमेंट सच है और गॉसिप खत्म हो जाएंगी। अभी शादी नहीं करने जा रही, लेकिन रोमन के साथ जिंदगी बहुत अच्छी है। सभी को बहुत सारा प्यार। आप भी देखिए सुष्मिता का ये वीडियो। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि सुष्मिता और रोमन एक दूसरे से कुछ महीने पहले एक फैशन शो के दौरान मिले थे। हाल ही में सुष्मिता की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा पता चलता है कि रोमन की सुष्मिता की दोनों बेटियों के साथ बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है, और अब देखते हैं कि इस कपल की रिलेशनशिप कितने आगे तक जाती है। शिल्पा शेट्टी की प्री दिवाली पार्टी में रोमन का हाथ थामे एक साथ आना हो या फिर घर पर दिवाली सेलिब्रेट करते हुए रोमन और बेटियों के साथ तस्वीरें पोस्ट करना हो, सभी कुछ में सुष्मिता अपने रिलेशनशिप को क्लियर करती नजर आ रही हैं। हालांकि सुष्मिता के जवाब से ऐसा लग रहा है कि वो अभी अपने इस रिश्ते को कुछ और वक्त देना चाहती हैं लगता है। हालांकि रिपोर्ट की माने तो सुष्मिता और रोमन पहले रिश्ते को आगे बढ़ाने यानी कि शादी की प्लानिंग कर रही हैं। सुष्मिता और रोमन बीते कुछ वक्त से एक साथ समय बिताते हुए कई बार देखे गए और तभी से दोनों के अफेयर और शादी की खबरें जोरों पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।